हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड। वीजा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल सुनने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर, पहली बार दर्शक जो चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा ट्रैवल क्रिएटर्स वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा आयरलैंड के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपसे बात करूँगा आयरलैंड में अगर आपको जॉब करना है, रिपब्लिक आयरलैंड में अगर आपको जॉब करना है तो आप कैसे वहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो, कैसे आप जॉब के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो। तो जॉब के लिए अगर आपको अप्लीकेशन करना है तो सबसे जो मेन तरीका ये है कि वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लीकेशन करिए। तो मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप जाके आयरलैंड के जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन है और यहां पे जितनी भी जॉब हैं वो सब रियल जॉब है, कोई फेक जॉब नहीं है। तो ये इस वेबसाइट पर आप जाके आयरलैंड में जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। किसी भी कंट्री में आप जाते हो काम करने के लिए तो दो ही तीन तरीके हैं वहाँ पर काम ढूंढने के लिए। तो आप वहाँ पर खुद जाके काम सर्च करो या फिर आप किसी वेबसाइट के माध्यम से वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप जॉब सर्च करो। तो मैंने इस वेबसाइट को खोल दिया, इस वेबसाइट का नाम है jobs.ie। तो ये बहुत ही आयरलैंड का बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, इससे बहुत सी जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं। आप इसमें देख लीजिए, ड्राइवर का जॉब, होटल का जॉब, हेल्थ केयर का जॉब और मैनेजर, सुपरवाइज़र, रिटेल, तमाम तरीके के जॉब हैं। तो इस पर बहुत सारा एकेडमिक जॉब आपका, अकाउंटिंग का जॉब आपका, एग्रीकल्चर का जॉब आपका है। तो आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप जो भी काम करते हो, आपके पास जो एक्सपीरियंस हो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इस वेबसाइट पे अपनी आईडी बना के, लॉगिन आईडी बना के, अपना जो नाम उस रजिस्टर, अपनी आईडी बनाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके और जॉब सर्च कर सकते हैं। तमाम कैटेगरी के जॉब हैं आयरलैंड में, रिपब्लिक आयरलैंड में। आपको हर सिटी में यहाँ पर जॉब आपको मिलेगा, सारी सिटी में जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको काम करना है आयरलैंड में तो ये जो जॉब है ऑफिशियल, ये जो जॉब है ये बहुत ही, ये जो वेबसाइट है बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है और यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और एक एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ। अगर आप जैसे आप इंडिया में जॉब सर्च करते हैं तो यहाँ पर भी इंडिया में आप जॉब सर्च करते हैं तो उसमें भी आप किसी न किसी वेबसाइट पर आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप आयरलैंड में भी अगर आपको काम करना है तो आप जॉब की वेबसाइट पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको मैं बताता हूँ इस वेबसाइट के बारे में, इस पर क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आई स्पेक्ट पर क्लिक करना है, वो मैंने कर दिया। उसके बाद देखिए, मैंने ड्राइवर्स डाला था, ड्राइवर्स की 59 जॉब यहाँ पर निकल के आया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर रिक्वायर्ड है आपका डोमिनोज़ पिज्ज़ा जो कि इंडिया में है तो यह आयरलैंड में भी है। तो आप अगर चाहो तो डोमिनोज़ पिज्ज़ा में भी जॉब कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप जॉब का अप्लीकेशन करिए तो पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि उस पर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा है, उस पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, उस पर एक्सपीरियंस क्या मांगा है। जैसे कि वैन ड्राइवर, ये आपका है फैक्ट्री वर्कर। तो इस तरीके से आप कोई भी जॉब के लिए अप्लीकेशन करते हैं सबसे पहले आपका काम है कि आप इस चीज़ को देख लें कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कंपनी कौन सी है, उस पर क्या क्या चीज़ मांगा है, वो सब चीज़ आपको देखना है। इसकी पोस्टिंग टुडे हुई है और यहाँ पे क्या वर्क है ये भी आप देख लीजिए। मंडे टू फ्राइडे जो इसका वर्क है वो ये है और टाइमिंग क्या है वो भी लिखा हुआ है, 6 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो जब आप जॉब का अप्लीकेशन करिए तो आप पहले उसको पढ़िए, उसमें अगर सब कुछ आपके हिसाब से सही है तो ही आप जॉब का अप्लीकेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। उसके बाद मैं खोलता हूँ एक और, आपको दिखाता हूँ वैन ड्राइवर की जॉब, तो इसको भी आप देख लीजिए। देखिए, वैन ड्राइवर की जॉब है और ये आयरलैंड में है। इस पर जो सैलरी है वो आपका 30,000 यूरो आपका सैलरी है ईयरली और कॉन्ट्रैक्ट इसका फुल टाइम है और जितने भी डिटेल्स हैं, एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा है, सैलरी कितनी है, वो सब कुछ वैन ड्राइवर की जॉब है। कस्टमर सर्विस करना है वो सब कुछ आपको इसमें दिया हुआ है, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, बेनिफिट आपका क्या है, व्हीकल है, फ्यूल कार्ड आपको मिलेगा, वीकली पे मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको मंथली पे नहीं मिलता है आयरलैंड में, आयरलैंड में आपको वीकली पे मिलता है, दो दो वीक पे आपको जो पैसा है वो आपको मिल जाता है। कंपनी कौन सी है उसका भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। तो जो यूरोपियन कंट्री हैं और जो
यूके ऑस्ट्रेलिया की जो जो कंट्री हैं, यहाँ पर जो पे मिलता है ये आपको वीकली मिलता है, यहाँ पे 2 वीक पे आपको पे मिल जाता है। इसके बाद आप ये देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर है डोमिनोज पिज्ज़ा में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क है और बेनिफिट क्या क्या है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, सब कुछ फुल लाइसेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डोमिनोज़ पिज्ज़ा में भी जॉब के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो। डोमिनोज़ पिज्ज़ा की जॉब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, आप इंडिया में भी आप जॉब कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आप जॉब के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो। तो तमाम तरीके के जॉब हैं यहाँ पर, तमाम तरीके के जॉब, आप देखिए कई कैटेगरी के जॉब। उसके बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, आपको ऐसे जॉब नहीं मिलेगा अगर आपको बाहर काम करता है तो, वहाँ की जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, वहाँ की जो वेबसाइट अच्छा है, जैसे कि इंडिया में Naukri.com, इसी तरीके से आयरलैंड की जो वेबसाइट है, यूके की जो वेबसाइट है, यूरोप की जो वेबसाइट है, उस पर ही जाके आपको अप्लीकेशन करना है। तो अप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसमें एक जॉब मैंने खोला है फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर का। फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, अगर आपने फॉर्कलिफ्ट कर रखा है तो अच्छा खास सैलरी भी। इसमें देखिए यूरो 14 यूरो 50 सेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर की सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फैसिलिटी आप देख लीजिए, फैसिलिटी भी तमाम तरीके के हैं, इसमें बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे और एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है, एक्सपीरियंस भी आपका लगेगा। जॉब जो है ये आपका आयरलैंड में है और यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये भी दिया हुआ है, कंपनी की डिटेल भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जॉब सर्च करना है। बाकी और ये सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर आपको जॉब अगर सर्च करना है तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये और भी कई सेक्टर में जॉब हैं, तो कई सेक्टर में जॉब हैं और आप चाहो तो खुद आप लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपको सर्च करना है, अगर आपको होटल इंडस्ट्री में जॉब करना है, होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको होटल इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और लोग बाहर काम भी किए हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। आप देखिए फ्रंट हाउस मैनेजर का जॉब है और इसकी सैलरी आपको मैं दिखाता हूँ कितनी सैलरी है। तो इस तरीके से आपको जॉब के लिए अप्लीकेशन करना है। अब ये जॉब है फ्रंट हाउस मैनेजर का और इसकी जो सैलरी है वो आपका 39,000 यूरो से 45,000 यूरो आपको एनुअल मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी सैलरी है और जो आपको बेनिफिट है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस पर आपको स्टार्टेड कैसे करना है, आपको इस पर अपना ईमेल डालना है, जो भी आपका ईमेल हो वो आप डाल दीजिए इसमें। मैं इसमें अपना ईमेल डाल के आपको बताता हूँ कि कैसे आप जॉब के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल डाल दिया, ये देखिए मैंने अपना जो अपना ईमेल है उसको मैं डाल रहा हूँ। अब मैंने कर दिया नेक्स्ट। तो अभी इन्होंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें अपना जो प्रोफाइल रजिस्टर नहीं किया है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इस वेबसाइट पर जाके अपना प्रोफाइल जो है, आपकी जो CV जो है, अपडेट CV जो है और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर पूरा आप CV में अपडेट करिए। उसके बाद अपना जो प्रोफाइल है उसको आप अपडेट करिए। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है रजिस्टर में। आपको मैं दिखाता हूँ, ये साइड में लिखा हुआ रजिस्टर आप देख रहे हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपसे पूछेगा आपका फ़र्स्ट नेम, आपका जो भी फर्स्ट नेम है उसको आप डाल दीजिए। आपका नाम दीपक कुमार है, आपका नाम रवि शर्मा है, आपका नाम मनोज शर्मा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख दीजिए। आप यहाँ पर लिखिए फर्स्ट नेम, उसके बाद आप लिखिए लास्ट नेम, जो आपका लास्ट नेम है उसको आपको लिख देना है। फिर आपको अपना ईमेल डालना है, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो आप क्रिएट करिएगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करिएगा और अच्छा पासवर्ड बनाइएगा, तभी वो लेगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है और ईमेल डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा पासवर्ड का, ये मैं ईमेल डाल रहा हूँ। इस तरीके से आपको ईमेल डालना है, फिर यहाँ पर लिख के आया क्रिएट पासवर्ड। तो क्रिएट पासवर्ड पर जाके आप जो भी पासवर्ड है वह पासवर्ड आप बना सकते हो। बनाने के बाद आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एग्री करके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो मैंने इसे रजिस्टर किया, आप देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लीकेशन करना है। तो देखिए मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया है और ये लिख के आ गया है ईमेल visa@gmail.com is already registered। तो मैंने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है,
तो इसलिए मेरा रजिस्टर फिर से नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो और जॉब सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेटर है आपके लिए अगर आपको जॉब करना है आयरलैंड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।